नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ जुपिटर रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपको बता दूं कि जो जुपिटर रुपे क्रेडिट कार्ड आपको फिजिकल मिलता है, तो उसके लिए एक कमेंट आया है, वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि जो फिजिकल कार्ड जुपिटर रुपे क्रेडिट कार्ड का आपको रिसीव हुआ है, उनका ये पूछना है कि उसका चार्ज लगा है क्या। तो आपको बता दूं कि जो ये कमेंट आया है उससे रिलेटेड ही ये वीडियो होने वाला है। जो जुपिटर रुपे क्रेडिट कार्ड है उसका फिजिकल चार्जेस लगता है क्या, उसके बारे में वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि जो ये कार्ड है आपको जब फिजिकल रिसीव होता है तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये कंडीशन रहनी चाहिए कि आपका जो 1 लाख तक जो लोग वेट लिस्ट में थे उनको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला था, तो इस वजह से कोई चार्जेस नहीं देखने को मिला मुझे, क्योंकि मैं अंडर 1 लाख वेट लिस्ट के उसमें था, जो वेट लिस्ट था और उसमें मेरा 5000 समथिंग वेट लिस्ट नंबर था। और अगर आपका 1 लाख से नीचे है तो आपका कोई चार्जेस देखने को इस कार्ड में नहीं मिलता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अगर 1 लाख से ऊपर हैं और बाद में आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपको चार्जेस जो है वो देखने को इसमें मिल सकता है। और बात करें कि जो चार्जेस होगा वो कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो ज्वाइनिंग फीस है या फिर एनुअल चार्जेस है वो कितना रखा गया है, या फिर ये आप कह सकते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे थे, या जैसे कि मैंने जब अप्लाई किया था तो वहाँ पे 499 आ रहा था ज्वाइनिंग और 499 आ रहा था एनुअल चार्जेस का। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी कि मेरा जो चार्जेस था वो कटा हुआ था, यानी कि नहीं लग रहा था, जीरो वहाँ पे आ रहा था, क्योंकि मेरा जो वेट लिस्ट था वो अंडर 1 लाख था इस वजह से। लेकिन अगर आपका वेट लिस्ट नहीं है और अगर आपको वहाँ चार्जेस दिखता है तो वो 499 या 999 आपको हो सकता है, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने वाला था तो एडवर्टाइजमेंट में 999 रुपये का क्रेडिट कार्ड का चार्जेस देखने को मिल रहा था। तो 499 या 999 कुछ चार्जेस आपको लग सकते हैं, जो कि आप जब अप्लाई कर रहे होंगे तभी आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो ये चार्जेस फिजिकल कार्ड आपको अगर मिलता है तब लगता है, अगर आपका वहाँ पर अप्लाई करते समय चार्जेस शो होता है तो। और अगर लाइफ टाइम फ्री आपको मिला है, या फिर आप जब अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं दिख रहा था, ज्वाइनिंग फीस भी नहीं दिख रही थी, एनुअल चार्जेस भी नहीं दिख रहा था, तब आपको फिजिकल कार्ड का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मेरे को कार्ड रिसीव हुआ है, मेरे को एक भी रुपए या एक भी चार्जेस जो है वो नहीं लगे हैं। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। @SadaTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपसे बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि SadaTimes ब्लॉग के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है, जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिलता है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।